हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं एक छोटा सा टॉपिक जो कि आपका है पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के बीच के डिफरेंस के बारे में। पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आज इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक होने वाला है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो पब्लिसिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स का, और उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम योर एडवर्टीजमेंट। तो ये डिफरेंस कैसे, डिफरेंट कैसे है आपके एडवर्टीजमेंट से, ये क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करके आपसे पूछा जा सकता है फुल फेज 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ सोर्स। पब्लिसिटी का जो सोर्स होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो होता है मीडिया से ओरिजिनेट। वहीं एडवर्टीजमेंट के जो आपका सोर्स होता है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द एडवर्टीजर। मतलब क्या है, लेट सपोज मैं इस पेंसिल का जो हूँ मैन्युफैक्चर करती हूँ, मैं इस पेंसिल को बेचती हूँ। अब इस जो है पेंसिल का जो ब्रांड है ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी कंपनी का ब्रांड है, ये मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है। अब इसको बेचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट कराया जाएगा उसके पीछे क्या मैसेज होगा वो डिसाइड किया जाएगा मेरे द्वारा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट है, मैं इसकी एडवर्टीजमेंट करा रही हूँ, पेड फॉर्म करा रही हूँ। एडवर्टीजमेंट क्या होती है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप अपना मैसेज जो है लोगों तक पहुँचाते हो और उसके पैसे भी देते हो। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसकी जो एडवर्टीजमेंट करा रहे हो वो आपका मैसेज जो है आपके द्वारा यानी एडवर्टाइजर के द्वारा ओरिजिनेट होगा, ओरिजिनेट बताएगा कि भाई ये मैसेज जो है आपको डालना है। वहीं पब्लिसिटी में ऐसा नहीं होता। पब्लिसिटी क्या है, एक नॉन पर्सनल फॉर्म होता है। हमने जस्ट अपनी पिछली वीडियो में पब्लिसिटी के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या होता है जो है नॉन एक पर्सनल फॉर्म होता है, साथ ही साथ जो है उसमें कोई स्पॉन्सर नहीं होता। तो इससे किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के अगर मीडिया कोई मैसेज देती है तो उसका जो मैसेज होता है वो ओरिजिनेट होता है मीडिया के द्वारा। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर खुद जाकर के बता रहा है कि तुम ऐसा कुछ करो ताकि पब्लिसिटी हो। नेक्स्ट इज स्पॉन्सर। पहली बात तो ये सोर्स यानी कि जो मैसेज है वो किसका है, एडवर्टाइजर का इन एडवर्टाइजिंग, और वहीं पे पब्लिसिटी में वो मीडिया का मैसेज होता है, मीडिया ओरिजिनेट करती है। स्पॉन्सर की बात करें तो पब्लिसिटी में कोई भी स्पॉन्सर आइडेंटिफाइबल नहीं होता। आपको नहीं पता कि कौन इसका स्पॉन्सर करा रहा है, कौन इसके पीछे जो है अगर पैसे दिए भी जा रहे हैं तो कौन दे रहा है, ऐसा नहीं होता। पब्लिसिटी जो है नॉर्मली हो जाती है, दैट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे कि आपके रोनाल्डो वाली हमने डिस्कशन किया था कि उन्होंने जो है एक कोक की बोतल हटा दी थी और वहाँ पर कोक या पेप्सी की बोतल हटाई थी और वहाँ पर पानी की बोतल रख दी थी। तो एक प्रोडक्ट के लिए वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई और एक के लिए पॉजिटिव हो गई, एंड यू डोंट नो कि भाई उसके पीछे कोई स्पॉन्सर था या नहीं था। बट एडवर्टाइजिंग में आपको पता होता है स्पॉन्सर जो है कौन है। जैसे कि अगर आप जो है कोई टीवी पे कोई ऐड देख रहे हो, ऐड आ रही है कोई किसी प्रोडक्ट की, मैगी की ऐड आ रही है, तो आपको पता है इसका जो है स्पॉन्सर कौन है, इसके पीछे पैसे किसने लगाए हैं। किसी पर्टिकुलर नटराज की पेंसिल की जो है ऐड आ रही है, आपको पता है इसके पीछे कंपनी कौन सी है। मेरा गला ख़राब हो जाता है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसलिए आई होप आप थोड़ा सा जो है मैनेज करेंगे। वहीं पे कोई और रियल फ्रूट जूस की ऐड आ रही है, तो आपको पता है इसके पीछे का जो है स्पॉन्सर कौन है। तो इसी तरीके से यू कैन आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एडवर्टीजमेंट, बट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द स्पॉन्सर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में आपको नहीं पता कौन जो है स्पॉन्सर है, बट एडवर्टीजमेंट में आप जो है आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। पेमेंट की बात की जाए तो पब्लिसिटी क्या है, एक अनपेड फॉर्म होता है कम्युनिकेशन पे का। यहाँ पे जो है कोई पेमेंट नहीं दी जाती, जैसे विराट कोहली को कोई पेमेंट नहीं मिलती है कि वो एक ब्लैक वाटर का बॉटल लेकर के पूरी जगह घूमते हुए दिखे, बट जो है वहीं पे एडवर्टीजमेंट में जो है पैसे दिए जाते हैं ताकि तुम ये मैसेज जो है पर्टिकुलर मैसेज लोगों तक पहुंचा दो। तो स्पॉन्सर जो है आपकी पब्लिसिटी में जो है पेमेंट आपकी अनपेड होता है, ये एक अनपेड कम्युनिकेशन होता है जो कि किसी एक प्रोडक्ट का कम्युनिकेशन किया जा रहा होता है लोगों के साथ। वहीं एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, ये एक पेड फॉर्म होता है, यहाँ पर आप पैसे देते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर मैसेज है, ये जा करके आप लोगों तक पहुँचा दीजिए। कंट्रोल, पब्लिसिटी में जो है फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कोक का जो वो बॉटल हटाई गई थी उसमें जो है उस कंपनी का जो कोक थी उसका कोई हाथ नहीं था, उसका कोई कंट्रोल नहीं था कि भाई वो उसको जाकर के रोक ले, चाहे वो पॉजिटिव पब्लिसिटी हो या नेगेटिव पब्लिसिटी हो। किसी भी जो है पब्लिसिटी में उस फर्म का जो है हाथ नहीं हो पाता, कंट्रोल नहीं हो पाता कि उसको जाकर के रोक ले। कई बार आपने देखा होगा यार बहुत अच्छी पब्लिसिटी हो गई अब हमें काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, या बहुत ख़राब पब्लिसिटी हो गई अब हमें इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये क्या है कि भाई आपका कोई हाथ नहीं है, एज अ फर्म यू डजंट हैव एनी कंट्रोल ओवर पब्लिसिटी। बट एडवर्टीजमेंट में ऐसा होता है, एडवर्टीजमेंट आप खुद डिसाइड करते हो क्या मैसेज जाएगा, कहाँ तक जाएगा, किस मीडिया के थ्रू जाएगा और कैसे जाएगा, और अगर सही नहीं लगता आपको फिर आप उसको जो है रोक करके चेंज करते हो। सो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, द एडवर्टाइजिंग फर्म हैज़ फुल कंट्रोल ओवर इट्स एडवर्टीजमेंट्स। क्रेडिटेबिलिटी, पब्लिसिटी में क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं दिए जा रहे, जो है जनता को उस किसी व्यक्ति के जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे
जो उसके व्यूज़ हैं वो दिख रहे हैं। वहीं एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, ये लेस क्रेडिटेबल होता है। एडवर्टाइजिंग में जो है क्रेडिटेबिलिटी कम होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है अपना माल बेचने के लिए अच्छा अच्छा ही बताएगी, गलत थोड़ी ना बताएगी कि भाई ये थोड़ी ना मैगी आके बताएगी कि भाई मत खाया करो, मैदा है पेट में जम जाएगा, अंदर जाके प्लास्टिक जैसा बन जाएगा, जो है इसमें लेड की मात्रा ज़्यादा है। मैगी नहीं बताएगी, मैगी बताएगी 2 मिनट में तैयार, कोई भी बनाए कोई भी खाएँ। क्यों? क्योंकि उसकी जो है पॉजिटिव थिंग ही दिखाई जाएगी ताकि वो मार्केट में बिके। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट की क्रेडिटेबिलिटी कम होती है। कुछ खराब प्रोडक्ट या कुछ ऐसे प्रोडक्ट विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वो उसको भी अच्छा खासा बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे। और हम जैसे जो लोग हैं वो रात के 2 बजे भी बना करके खाएंगे, इवन जब हमको पता चल जाएगा तब भी। सो एडवर्टीजमेंट क्या है, क्रेडिटेबिलिटी कम होती है। पब्लिसिटी में जो आपकी है क्रेडिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेचर ऑफ मैसेज, पब्लिसिटी में क्या है, यहाँ पे इंटेंटेड होता है कि भाई एक जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाए लोगों तक, करके अवेयरनेस क्रिएट हो कि हाँ भाई ये चीज़ भी है, तो उस लिहाज से पब्लिसिटी कराई दी जाती है। और एडवर्टीजमेंट में क्या है, इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट कस्टमर। एडवर्टीजमेंट में क्या करते हो, आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हो ताकि कस्टमर में जो है एक इन्फॉर्मेशन को लेकर के उनको नॉलेज बन सके, या फिर नए प्रोडक्ट आप सॉरी नए कस्टमर आप जो है क्रिएट कर सको। नेक्स्ट इज़ योर टारगेट ऑडियंस। एंड पब्लिसिटी में कोई जो है जनरल पब्लिक, कोई भी पब्लिक जो हो सकती है जनरल पब्लिक, वो आपकी टारगेट हो सकती है। वहीं एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, इट इज़ इंटेंडेड फॉर टारगेट कस्टमर लाइक यूथ, वुमेन, चिल्ड्रन एट्सेट्रा। डिपेंड करता है आपका एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का है। अगर वो आपका सैनिटरी पैड्स का है तो आप क्या करोगे, वहाँ पर लड़कियों को, वुमेन को, गर्ल्स को, इनको जो है टारगेट करोगे। वहीं पर अगर आपका जो है पैम्पर्स वगैरह का है तो वहाँ पर आप जो है पेरेंट्स को करोगे, जो कि पेरेंट्स अभी अभी बने होंगे, उस एज के लोग होंगे, उसको जो है आप टारगेट करोगे। वहीं पे अगर जो है घुटने के दर्द के तेल है तो आप जो है थोड़े ओल्ड लोगों को टारगेट करोगे। और वहीं चॉकलेट्स वगैरह है, चिप्स वगैरह है, तो छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट देखोगे। तो उस लिहाज से आपका टारगेट ऑडियंस डिपेंड करता है अबाउट कि आपका प्रोडक्ट सर्विस क्या है। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जो कि बहुत छुटकू सा टॉपिक था जिसमें आज हमने डिफरेंस डिस्कस किया पब्लिसिटी वर्सेस एडवर्टीजमेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।